कर देने। दिसंबर महीने की कड़कती ठंड विच पिंड वल्ले तो फतेह दी सांझ टर्बन ट्रैवलर दी स्पिरिचुअल जर्नी वेखण वालियां सारियां संगतां नूं जिहड़ी कि देश विदेश विच बैठ के साडा प्रोग्राम वेखदियां ने, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दिन की शुरुआत असी कर रहे हैगे आं पिंड वल्ले तो, जिथे कि गुरद्वारा गुरियाना साहब है। इस स्थान के उत्ते जिस वक्त सच्चे पातशाह धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी आए ने, तो उहदे बाद अगला स्थान जिहड़ा जिथे वह गए ने वह सी माता हरो जी का घर। माता हरो जी का घर जिथे कि इस वक्त गुरद्वारा कोठा साहब सुशोभित है, इस स्थान तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उस स्थान पर आप जी ने असी लैके चलेंगे तो उत्थे का सारा इतिहास ते गुरद्वारा साहब के दर्शन करावांगे। आओ तुसी भी साढ़े नाल चलो। सच्चे गुरु कोले आगे दुख पंडितां सुनाया, सच्चे गुरु कोले आगे दुख पंडितां सुनाया। कर साडे उत्ते मेर जंजू खतरे च आया, कर साडे उत्ते मेर जंजू खतरे च आया। सच सदाए जीओ। कोठा साहब जी गुरुद्वारा जिथे शोभायमान है, इस थान के उत्ते किसी जमाने के माता हरो जी का निवास स्थान होंदा सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी जिस वक्त अमृतसर आते हैं उत्थे उन्होंने अंदर नहीं जान दिता जाता, उत्थों थड़े ते विराजमान होंदे ने जिथे गुरद्वारा थड़ा साहब है। उस तो उपरांत अगे जाते हैं रस्ते विच एक स्थान पर रुकते हैं जिथे गुरद्वारा दमदमा साहब है, जिथे थोड़ी देर ठहर के वह दम लेंदे ने। उपरांत आके पहुँचते हैं गुरद्वारा गुरियाना साहब जिथे उन्हां दी मुलाकात होंदी है माता हरो जी नाल। तो माता हरो जी की बेनती स्वीकार कर रात रहने वास्ते धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस स्थान पर आते हैं जिस स्थान पर असी इस वक्त खलोते हैं। आओ अंदर चले हैं, आप जी को गुरद्वारा साहब के दर्शन कराने हैं तो फिर इतिहास दसने हैं। कैसी गुड़ती मिली बाल गोविंद नू, जूझने दा चासी बचाउन लई हिंद नू, जूझने दा चासी बचाउन लई हिंद नू। तुस तारण जग नू आए पातशाह जियो, तारण जग नू आए पातशाह जियो, असी शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो, असी शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो, असी शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो। गुरद्वारा श्री कोठा साहब के दरबार साहब हॉल में एंटर करने तो पहला राइट साइड नू थले दी तरफ इतने एक भौरा साहब बनया है। इतिहासकार दसते ने वो भौरा साहब का इतिहासिक स्थान है जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी आके विराजे सी। आओ संगत आप ही दर्शन करो। शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो, शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो, असी शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो। गुरद्वारा श्री कोठा साहब का इतिहास कुछ इस प्रकार नाल है। माता हरो जी दे नाल श्री गुरु तेग बहादुर साहब चल के इस स्थान पर पहुँचते हैं। पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, इतने उन्हां वास्ते टेंटा का इंतजाम मक्खन शाह लुबाणा दे सेवक सी वो करते हैं।
नाल लंगर का प्रबंध किया जाता है। गुरु साहब जद भी प्रचार फेरी ते किथे जांदे सी ते मक्खन शाह लुभाणा दे ते उन्हां दीआं संगतां उन्हां दा रहन खाण पीण दा सारा इंतजाम करदियां सन। सवेरे संगतां नूं जिस वक्त पता लगदा है ते संगतां इकट्ठियां होंदियां ने, आसा दी वार दा दीवान सजदा है, संगतां पाठ करदियां ने, गुरु साहब आप कीर्तन करदे ने ते संगतां कीर्तन सुन निहाल होंदियां ने। अमृतसर की संगतां नूं जदे पता लगता है कि हरजी ने गुरु साहब जी नाल बहुत माड़ा काम किया ते उन्हां नूं अंदर नहीं जान दिता ते ओ थड़े ते विराजमान रहे, उपरांत इत्थों कित्थों चले गए ने, ते उन्हां नूं बड़ा ही बुरा लगता है ते नाल पछतावा भी हुंदा है। गुरु साहब की खोज पड़ताल शुरू होंदी है ते पता लगता है कि गुरु साहब माता हरिओ जी दे घर पिंड वल्ले च ने, ते पिंड वल्ला जिहड़ा हैगा वह अमृतसर तो 2 ही किलोमीटर की दूरी पर सी। सारियां संगतां रल के आ के माफ़ी मंगण वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी को पिंड वल्ले पहुँचदिया ने। इत्थे आ के वो गुरु साहब अगे बेनती कर दिया ने कि सानू तुसी माफ़ करो, सानू इस गल का बिल्कुल भी इलम नहीं सीगा, पता नहीं सीगा। ते हरजी ते उहदे मसंदा नू वो बहुत मलामतां देंदिया ने, बहुत लानतां देंदिया ने। संगतां दे रोश नू वेखदे हुए गुरु साहब वचन करदे ने कि आप जी शांति बना के रखो, एकता बना के रखो, जिहड़ा जिस तरह करेगा वह उस तरह ही भुगतेगा, आप जी बाणी दा पाठ करो ते प्रभु भक्ति विच लीन रहो। कर साध संगत सिमर माधो, कर साध संगत सिमर माधो, हो पतित पुनीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इत्थे साडे पिंड दी पिंड वल्ले दी माता हरू जी होए हन, गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल उन्हां दा मिलाप होया ते माता जी ने गल विच पल्ला पा के गुरु साहब जी नूं बेनती कीती कि सच्चे पातशाह जी साडे भी नगर नूं भाग लाओ। माता जी दी बेनती प्रवान करदे होए धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस अस्थान ते पहुँचे। ये माता हरू जी दा घर सी जिथे इस वेले गुरद्वारा कोठा साहब जी सुशोभित है। जदों अमृतसर दीआं संगतां नूं पता लगा कि गुरु तेग बहादुर साहब जी आए सन ते इन्हां मसंदां ने गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं दर्शन सचखंड दे नहीं करन दिते, तो इस तों वल्ले वल नूं चल गए हन। संगतां लभदियां लभाउंदियां इत्थे गुरु साहब जी दे दर्शन करन वल्ला साहब पहुँचियां ते गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं बेनती कीती भी महाराज हुण तुसीं फिर अमृतसर चलो। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने आख्या भी नहीं, इस जगह ते साडा साल बाद दिन मनाया जाएगा, संगतां इत्थे नतमस्तक होन, जो मन की भावना लैके आनगियां वो भावना हर एक की पूरी होगी। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने वर दिता वल्ला गुरु दा गला माइया रब रजाइया, तो उन्हां मसंदां दे मुतलक ये बचन उच्चारण किए सन, नै मसंद तुम अमृत सरीए तृष्णा अगन तृष्णा मैं सड़ीए। इस तों उपरंत गुर इतिहास अनुसार गुरु तेग बहादुर साहब जी 17 दिन इस पावन पवित्र स्थान ते आ विराजमान रहे हन। इत्थे हुण फरवरी दे महीने विच तकरीबन 6 फरवरी नूं मेला शुरू हुंदा है, जो कि तकरीबन 1.25 महीना होले महल्ले तक मेला चलदा है। इत्थों संगतां दूर दरेडे तों देश विदेश तों आ के हाजरियां भरदे हन ते जो भी मन दी मनोकामनावां हुंदी है अरदास बेनतियां करदियां हन ते उन्हां दी पूरी हुंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਲਕਤ ਲਈ ਸੀਸ ਲਵਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ
शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो सी, शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो सी, शरण तुम्हारी आए पातशाह जियो। आज दे एपिसोड विच आप जी ने दर्शन किए गुरुद्वारा श्री कोठा साहिब जिहड़ा कि पिंड वल्ले च है। इतों गुरु तेग बहादुर साहब जी अगे जाते हैं पिंड कूके वाली जिते इस वक्त गुरद्वारा श्री गुरु का बाग साहब शोभायमान है। आप जी कल उत्थे लैके चलांगे, उत्थे दे दर्शन करावांगे। तद तक तुसी साडे नाल बने रहो ते वेखदे रहो स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द टर्बन ट्रैवलर यात्रा। धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतह।